डॉक्टर फारुकुब्दुल्ला का कल का जो स्टेटमेंट है वो उसका सही रंग है। सिर्फ उसी का नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का हमेशा यही रंग रहा है। वो सिर्फ कम्युनल हेट्रेड पर, नफरत फैलाने पर, खासकर कश्मीर में जो माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है उसके खिलाफ जहर उगलकर उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। कल भी उन्होंने जो कहा है वो बहुत ही दर्दनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ये बताएं डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला कि 1983 में जब वेस्ट इंडीज़ के साथ क्रिकेट मैच हो रहा था तब कौन सी कश्मीर फाइल्स आई थी? जब 1986 में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया तब कौन सी कश्मीर फाइल्स आई थी? और वो बताएं ज़रा इस कश्मीर फाइल्स में क्या ये सीन गलत है कि गिरजा तिक्कू को आरी से चीरा गया, आरी पर जिंदा काटा गया? क्या ये गलत है कि सर्वानंद कोल प्रेमी को हत्या, उनके बेटे के साथ हत्या करके पेड़ पर लटकाया गया? पर इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात जो उन्होंने कही कि जी बालकृष्ण गंजू जी की विधवा बीवी को खून से सने हुए चावल नहीं खिलाए गए, उनको कैसे पता है? क्या टेररिस्टों ने उनको रिपोर्ट किया था? क्योंकि पब्लिक डोमेन में ऐसी पिक्चर्स है जिसमें हमें फारुक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लोगों के साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में देखा हुआ है। क्या उन्होंने कभी क्लियर किया है कि वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बानी मेंबर नहीं है? क्या उन्होंने उस पार्टी से, ऑर्गेनाइजेशन से इस्तीफा कभी दिया है? क्या उन्होंने लोगों के इन शंकाओं को, इन डाउट्स को कभी क्लियर किया है? तो अगर आज लोग ये मानते हैं कि उन्होंने सिर्फ इसीलिए कहा कि जिस टेररिस्ट ने पीछे गंजू जी को मारा है उसने वापस डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला को रिपोर्ट किया होगा, जिससे वो इस विश्वास के साथ कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, मेरा सरकार से मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्टिविटीज़ के बारे में, इसकी पॉलिटिक्स के बारे में, इसका ये जो नफरत भरी पॉलिटिक्स जिसका एक डॉक्यूमेंट आतिशी चिनार के रूप में है, इस सब पर एक वाइट पेपर पेश किया जाए, इस पर एक वाइट पेपर पब्लिश हो और सारे देश के सामने आना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की नफरत भरी राजनीति कैसी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारुक अब्दुल्ला, फारुक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दर्जी विचार मोबाइल आतिश चिनार को